करके सुगुले होगा अतिथि श्री जयसिंह जी SC ST मोर्चा के राज्य के उपाध्यक्ष और विभाग की ओर से MD श्री सुभाष जी व अंजलि मैडम जी, जिला सचिव अनुसूचित जाति श्री मदन जी, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री भीमसेन जी का यहाँ पधारने पर हम तहे दिल से धन्यवाद व स्वागतम करते हैं। और हमारे पंचायत के प्रधान श्री अनिल राणा जी और महिला मोर्चा जिला के प्रधान श्री सुमन भारद्वाज जी, हम यहाँ इनका पधारने पर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अनिल राणा जी से निवेदन है कि आप राज्य के उपाध्यक्ष श्री जय सिंह जी को टोपी व बैच लगाकर सम्मानित करें। मैडम जी को बैच लगा के सम्मानित करें। अब मेरा निवेदन है राकेश कुमार जी से, वो हमारे लोकप्रिय प्रधान अनिल राणा जी को बैच लगा के सम्मानित करें। मैं पनेला गांव में सर का मैडम जी का यहां पधारने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपनी तरफ से बाढ़ पंचायत की जनता की तरफ से इनका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज हमारे यहां पनेला गांव में आए। और साथ में मैं बधाई देना चाहूंगा अपनी बाढ़ पंचायत की महिलाओं को, जिन्होंने जो इतने अच्छा कार्य करके जो है सेंटर की जो ब्यूटी पार्लर सेंटर जो है वो पनेला गाँव में आज खुला, बहुत ही खुशी की बात है। हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो इस कोर्स को करके जो है आगे शायद मैरिज करने के बाद भी कहीं और जगह जाएगी, तो जो ये काम इन्होंने यहाँ से सीखा होगा तो वो वहाँ अपनी रोजी रोटी आराम से कमा सकती है। मैं ज़्यादा ना कहूँगा, एक बार आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया। धन्यवाद। उनका मैं साइकिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना जोरदार स्वागत किया हमारा। दरअसल में ये स्वागत और हमारे बीच जो है ग्राम पंचायत वार्ड के प्रधान श्री अनिल राणा जी भी किया, और प्रधान जी ने, राणा जी ने विशेष तौर पर अपना टाइम निकाल के जो है अपना कीमती समय जो है हमें दिया है, इसके लिए मैं राणा जी का बहुत आभारी रहूँगा और इनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ जो है इस कार्यक्रम में दिया है, उसके लिए एक बार पुनः मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। हमारा काम जो है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है,
उसका प्रचार प्रसार करने का हमारा काम है। और इसी तरह हम जो है सरकार के जो कार्यक्रम हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं और सरकार जो है गरीब लोगों के लिए जो काम करती है, उनको आप तक पहुंचाना हमारा काम है। और उसी तरह आज हम गांव बाट में आए हैं और आपको माननीय जयराम ठाकुर साहब ने जो आपके कल्याण के लिए जो आपके लिए योजनाएं बनाई हैं उनके बारे में आपको अवगत करवाना है। तो मैं आपको उन योजनाओं से अवगत कराने से पहले आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, कल पिछले कल राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ है और राष्ट्रपति के चुनाव में हमारी आदिवासी और उड़ीसा की महिला जिसने के राष्ट्रपति चुनाव में विजय हासिल की है, उड़ीसा की मयूरभंज गांव से है, उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव जीता है और ये इतिहास में और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक आदिवासी महिला जो गरीबी से जीवन संघर्ष करके आज हिंदुस्तान के भारतवर्ष में सबसे बड़ा संवैधानिक जो पद है उस पे आसीन हुए हैं। तो इसके बारे में आपको हम जानकारी देना चाहते हैं और आपके ही समुदाय से जो ट्राइबल एरिया है उससे वो संबंध रखते हैं, तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमारी महिला बहन है और आदिवासी समुदाय से वो संबंध रखते हैं और आज जो है 25 तारीख को जो है वो शपथ लेंगे राष्ट्रपति पद पर और पिछले रात को उनका चुनाव हुआ है। तो वो एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और उन्होंने अपना जो जीवन है एक शिक्षक के तौर पर जो है शुरू किया था, लिपिक का तौर पर। एक वो पहले लिपिक थे और उसके बाद वो अध्यापिका बनी और उसके बाद वो पार्षद बनी और विधायक बनी और विधायक दो बार बनने के बाद वो राज्यपाल बनी और राज्यपाल बनने के बाद आज वो भारतवर्ष के सर्वोच्च पद जो है संवैधानिक पद पर उस पर आसीन हुए। तो ये उनके लिए आप मुबारकबाद भी देंगे और तालियों से उनका स्वागत भी करेंगे कि हिंदुस्तान के इतिहास में, विश्व के पूरे इतिहास में आज एक महिला आदिवासी गरीब घर से, जो आप देखते होंगे हमारे गांव में जो कच्चे मकान है वहां पर रहती थी, वो आज वो हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो उसके लिए आज हम यहाँ चंबा से उनको बधाई भी देते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं और हमारा सारा समुदाय, ट्राइब और अनुसूचित जाति के लोग जो हैं उनको शुभकामनाएं और मुबारकबाद भी देते हैं। तो बात आई थी योजनाएं की, माननीय मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर साहब जो है आप गरीब लोगों की सेवा के लिए दिन रात काम करते हैं और हम जो कहते हैं कि हमारी सरकार जो है मातृशक्ति की वंदना और उनके लिए काम करती है। जैसे आपने देखा है कि हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में एक आदिवासी महिला जो है आज हिंदुस्तान की राष्ट्रपति बनी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी जो गरीब अंतिम लाइन में बैठा है उसके लिए काम करती है भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो भी दिन रात जो है गरीब लोगों की सेवा के लिए काम करती हैं। अब आपको एक और जानकारी, जैसे गरीब लोग हैं, हमारे विरोधी कई बार कई आलोचना करते हैं कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने वो काम कर दिया जो काम आज दिन तक किसी ने नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने जो हमारे गरीब लोग हैं उनके लिए जब वो बीमार हो जाते थे तो बीमारी के कारण जो है वो अपना घर बार जमीन बार बेच देते थे, आज हिम केयर योजना के तहत जो है हमारे गरीब लोगों का इलाज हो रहा है और 2.5 लाख से ऊपर, 2.5 लाख से ऊपर, बड़ा ध्यान से सुना आपने, 2.5 लाख से ऊपर जो है लोगों को इसका हिम केयर का फायदा पहुंचा है। जो गरीब आदमी है ना, आप उनसे पूछें कि इलाज करवाने में लाखों रुपए खर्च होता है और लाखों रुपए होता है और गरीब लोगों के पास लाखों रुपए नहीं होता है और आज जो है हिम केयर की बदौलत जो है
आज हमारे गरीब लोगों को उसका हेल्थ में फायदा पहुंच रहा है, ठीक है ना जी। ये काम आज से पहले किसी सरकार ने नहीं किया, हमारी सरकार ने किया ये काम, जयराम ठाकुर साहब ने किया। और दूसरी जो योजना है आयुष्मान भारत, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उसका भी लोगों को फायदा पहुंच रहा है। तो ये फायदा आप तो लेंगे, लेकिन आपने गांव में जाके जो हमारे गरीब गुरबे हैं, जैसे हमारी वार्ड मेंबर है, प्रधान जी हैं, ये जाके गांव में जो है इसका योजना के बारे में लोगों को बताएंगे, ताकि कोई भी गरीब आदमी जब बीमार हो तो वो जो है वो हिम केयर योजना उसका सहारा बनेगी। और एक बात और बताता हूँ कि हिम केयर योजना के तहत 141 से ऊपर हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर हमारे गरीब लोग जो है जाके इलाज करवा सकते हैं। और साथ में जो है पीजीआई सेंटर जो चंडीगढ़ में है, वहाँ पर हिमाचल सरकार ने एक काउंटर की व्यवस्था की है, वहाँ पर हिमाचल सरकार का एक कर्मचारी बैठता है और उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। जब कोई हमारे प्रदेश से चंडीगढ़ में जाता है तो उसकी मदद करने के लिए वो हमारा सरकारी मुलाजम वहाँ पर उपस्थित होता है, ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री साहब ने क्या किया, जयराम ठाकुर साहब ने किया, एक सहारा योजना शुरू की। आप लोग भी जानते होंगे, अगर आपको पता है तो आपको ये जानकारी औरों तक भी पहुंचानी है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सहारा योजना क्या है। सहारा योजना जो है हमारे जो बीमार लोग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, जो अपने इलाज के लिए असमर्थ हैं, उनको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3000 रुपये देने का फैसला किया है। और अभी तक जो है 21000 से ऊपर ज़्यादा लोग जो है इसका फ़ायदा ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हुई है और उनको 21000 से ऊपर जो लोग हैं उनको 3000 रुपये महीना जो है मिल रहा है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब कर रहे हैं, यही चीज़ें हम आपके सामने आके बताते हैं, ताकि आप लोगों को इसकी जानकारी हो और आप जागृत हो जाएं और योजनाओं का आप फायदा उठाएं। और इसी की तरह जैसे हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अब हमारे जो गरीब गुरब लोग हैं, बीपीएल के हैं, आईआरडीपी के हैं, अब हमारी बेटी की अगर शादी होने लगे तो जो गरीब आदमी है शादी के टाइम जो है उधार पैसा लेता है, ठीक है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया कि शगुन योजना जो है शुरू की, उसमें क्या है कि 31000 रुपये जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस बेटी को देंगे, 31000 रुपये जो बीपीएल की होगी, आईआरडीपी होगी, किसी भी जाति से होगी, शर्मा है, ठाकुर है, कोई भी होगा, उसको जो है 31000 रुपये मिलेंगे। और साथ में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, उसमें 51000 रुपये, यानी कि 31 और 51 कितना हो गया, 82000 रुपया हमारे परिवार को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है तो वो 82000 रुपया सरकार उसको देगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, उसमें हमारी अगर बेटी हो तो उसमें उसके नाम पर FD जमा होती है। अगर पंचायत में ये बातें जो है हमारी आशा वर्कर और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता बताते हैं, जब किसी हमारी माता बहने की प्रेगनेंसी होती है तो 7000 रुपये जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान है, उसको आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है जी। और ये कार्यक्रम जो है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है उन योजनाओं का फ़ायदा उठाएँ जो योजना आपके लिए बनी है, जो योजना आप, ये बातें आपने ध्यान से सुननी है और आपने अपने गांव में जाके ये चर्चा करनी है। अब विरोधी बोलते हैं कि हमने क्या किया, तो ये आपने बताना है कि हमारे लिए मुख्यमंत्री ने ये किया है। आप गैस सिलेंडर पहले कितना वो था, आज आपको 3 गैस सिलेंडर जो है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब दे रहे हैं, 3 गैस सिलेंडर, और 3 गैस सिलेंडरों की सब्सिडी भी आपके खाते में जा रही है, आपके खाते में जा रही है, और कम से कम 1500 के ऊपर जो है सब्सिडी है, तो आप उस सब्सिडी से चौथा सिलेंडर जो है ले सकते हैं, चौथा सिलेंडर जो है उस सब्सिडी से ले। आज हिंदुस्तान और हिमाचल में ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर कि गैस का चूल्हा ना हो और सिलेंडर ना हो, और हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश पहला प्रदेश बना है जो धुआं मुक्त हुआ है। नहीं तो बीमारियां होती थी हमारी माता बहनों को, बीमारी लकड़ी जलानी, धुआं आना, धुएं से कैंसर हो जाएगा और बीमारियां होती थी, तो उस चीज़ को किसने बचाया है, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने बनाया बचाया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं
जो आपकी जानकारी में हम लाना चाहते हैं। अब एक और हमारी माताओं के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट योजना है, हम सोचते हैं कि लड़के ही काम कर सकते हैं, लड़के ही बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। औरतें भी बिजनेस कर सकती हैं और काम कर सकती हैं, व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। जैसे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, उसमें क्या है कि अगर हमारी बहन कोई जाके इंडस्ट्री से लोन ले, उसको जो है 35% जो है सब्सिडी है, 35% सब्सिडी, यानी कि 35 रुपये उसने 75 रुपये उसने खर्च करने और 35 रुपये उसने खर्च करने, यानी कि 35 रुपये का फ़ायदा उसको, तो उसका कारोबार भी चलेगा, वो अपने साथ जो है कारोबार शुरू करेगी, तो एक तो वो कारोबार अपना काम चल पड़ा और साथ में 5-6 लोगों को रोज़गार भी देगी, रोज़गार भी देगी। 624 करोड़ रुपये जो है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने खर्च किया है और 3715 यूनिट लगे, तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप समझ रहे होंगे कि ऐसे बता दिया और ऐसे, ये मामूली बात नहीं है। इस काम करने के लिए वो चाहिए, जिगरा चाहिए, और जिगरा चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री ने किया है, ये काम किया है। कोरोना के टाइम हमारे मुख्यमंत्री साहब दिन रात लगे रहे, दो बार वो बीमार हुए, लेकिन बीमारी की हालत में भी वो काम पर लगे रहे। हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने आपको दो वैक्सीनें मुफ्त लगाई और तीसरी जो है बूस्टर डोज भी आप मुफ्त लग रहा है। तो ऐसे नहीं है कि काम नहीं है, काम तो होते हैं। उज्ज्वला योजना कहता है आपको सिलेंडर मिले, चूल्हे मिले, तो ये चीज़ें जो है हमारी सरकार कर रही है। अब हमारी कॉरपोरेशन जो है SC ST कॉरपोरेशन क्या है, ये जो है हमारे जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, उनको काम धंधा शुरू करने के लिए लोन देती है, और कि 50,000 का लोन है, 1,00,000 रुपये का लोन है, 2,00,000 का है, 3,00,000 रुपये है, ताकि वो काम बिजनेस शुरू करें और अपना व्यवसाय करके अपने परिवार का पालन पोषण करें। तो उसके लिए वो करेंगे, हमारे DM साहब आए हैं, ठीक है। हाँ, आप जो दफ्तर है हमारा वो जनसाली मोहल्ला में है, आप कोई भी व्यक्ति जाके वहाँ पर फार्म भरे, हमारे अधिकारी हैं, वो फार्म भी आपका भर देंगे। आपने अपना प्रमाण पत्र और कागज़ वो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, बाकी का सारा काम जो है वो कर देंगे, हमारे DM साहब साथ आए हैं। और एक जो बात मैं बताना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति में एक लोन बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसका कि हमारे पास करोड़ों रुपये होता है और वो करोड़ों रुपये लैप्स हो जाते हैं। कौन सा लोन है? वो है शिक्षा का लोन। आपने सबने ध्यान से सुनना है, शिक्षा का लोन जो है SC ST कॉरपोरेशन से मिलता है। आप में से कई लोग बोलते हैं यार हमने कहाँ डालना है, लेकिन जो हमारे गरीब परिवार है उनका बच्चा अगर +2 पास हो जाए, अगर आगे उसने ट्रेनिंग करनी हो, स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग करनी हो, JBT की ट्रेनिंग करनी हो, इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग करनी हो, कोई भी ट्रेनिंग करनी हो, प्रोफेशनल जो भी ट्रेनिंग करनी हो, वो हमारे कार्यालय में आए या हमारा फ़ोन पे संपर्क करे, 9481813922 फ़ोन पे संपर्क करे, हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और वो 75,000 तक बिना ब्याज के, क्यों DM साहब, 75,000 तक बिना ब्याज के लोन मिलता है। जैसे आपने ट्रेनिंग साल की करनी है या 6 महीने की करनी है, तो आपने फार्म भरना और ITI या जहां प्रोफेशनल जॉब करना है वहां का फीस स्ट्रक्चर देना है कि भाई इतनी फीस लगनी है, वो सारा पैसा हम कॉरपोरेशन उनको दे देंगे। और जब बच्चा पढ़ जाएगा, जब बच्चा ट्रेनिंग ले लेगा और ट्रेनिंग लेने के बाद जो है वो नौकरी पर जब लगेगा, तो वो जो पैसा है वो उसने आसान किस्तों में वापस करना है। तो ये आपके फायदे की बात है, नहीं तो एक जो शिक्षा का लोन है ना हमारे पास, ये करोड़ों रुपये है और ये रह जाता है, कोई नहीं लेता। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे गरीब परिवार हैं, जो जब आप गांव में जाएंगे तो ये चीज़ें बतानी है कि शिक्षा का लोन जो है आप जाके लें, ताकि हम आपको उत्थान कर सकें। आप जैसे प्रशिक्षण होते हैं, सिलाई सेंटर का प्रशिक्षण है, ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण है, मोटर मैकेनिक का प्रशिक्षण है, कंप्यूटर का प्रशिक्षण है, ये हमारे कॉरपोरेशन देती है। जैसे यहाँ पर हमने ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण का सेंटर खोला है, सिलाई सेंटर का खोला है, तो यहाँ पर हमारी बहनें जो है ट्रेनिंग लेंगी और अपना व्यवसाय, ट्रेनिंग लेने के बाद अपना व्यवसाय कर सकती हैं। और एक बात और बताता हूँ, जो हमारी कॉरपोरेशन के द्वारा प्रमाण पत्र होगा, जो ट्रेनिंग लेगा, जब गवर्नमेंट की वेलफेयर में पोस्ट निकलते हैं सिलाई सेंटर बेंजी की, तो उसमें जो है उसको बेटीज मिलेगा,
5% का वेटेज मिलेगा, उसको ज़्यादा वो प्रेफरेंस दी जाए, क्योंकि उसने जो है कॉरपोरेशन के थ्रू जो है डिप्लोमा हासिल किया, तो ये भी रोज़गार का साधन है, ठीक है ना जी। अब हमारे जो कई बेरोज़गार युवक हैं तो गाड़ी वगैरह डालना चाहती हैं, NC डालना चाहती हैं, या टैक्सी डालना चाहती हैं, या ट्रोला लेना चाहती हैं, या JCB लेना चाहती हैं, या कोई बड़ी गाड़ी लेना चाहती हैं, तो उसके लिए भी हम लोन देते हैं, 1 करोड़ तक देते हैं। कोई होटल खोलना चाहे, रेस्टोरेंट खोलना चाहे, उसके लिए भी हम लोन देते हैं, ताकि वो हमारी कॉरपोरेशन में आए, हम उसकी मदद करें। और ये कॉरपोरेशन आपकी मदद के लिए बनी है, आपकी भलाई के लिए बनी है, आपके लिए ही बनी है। हमारे जितने भी लोग हैं आपकी सेवा के लिए बने हैं, ताकि आपकी सेवा हम कर सकें। तो इस कॉरपोरेशन का आपने अधिक से अधिक फायदा उठाना है। जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो जो हमारी गवर्नमेंट ने इतने योजनाएं बनाई हैं वो धरी की धरी रह जाएंगे। यही हमारा काम है, इसी काम को, इसी ध्याय को लेके हम जो है गांव-गांव जाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। उसी कड़ी में आज भी हम आपके पास आए हैं और हमने आपको ये जो जानकारी दी है ना जी, ये चीज़ें आपने बतानी है। और हमारी सरकार जो है, जयराम ठाकुर की जो सरकार है, वो महिलाओं की सरकार है, बेरोजगारों की सरकार है, नौजवानों की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, गरीब आदमी की सरकार है। आप ऊपर से लेकर नीचे तक 1000 योजनाएं सब गरीब लोगों के लिए बनी है, जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए बनी है, ताकि वो जो बाकी समाज है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जो है खड़ा हो सके। अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने किसान समृद्धि योजना बनाई थी, तो उसमें जो है हमारे जितने भी किसान भाई हैं 6000 रुपये खाते में पड़ता है। फसल बीमा योजना, कोई फसल ख़राब हो जाए तो उसमें जो है वो सारा मुआवजा जो है सरकार देती है। तो आप भी जो है इन योजनाओं का जो है फ़ायदा उठाएं, यही हम आपसे दरख्वास्त करने आए हैं। और आज आप इतनी संख्या में आए हैं और आप सबका बड़ा बड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ। और कोई भी आप के में मन में बात हो तो आप हमारे से पूछ सकते हैं और हम उन चीज़ों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और हमारे DM साहब हैं, हमारी मैडम अंजलि है, ठीक है, फॉर्मे भी हैं हमारे पास, सारा कुछ हम मटेरियल लेके आए हैं आपकी मदद के लिए। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेशन की योजनाओं का आप लोग फ़ायदा उठाएं, और हमें खुशी होगी कि जब आप इन योजनाओं का फ़ायदा उठाएंगे तो आपका आर्थिक स्तर जो है बढ़ेगा और आप भी खुशहाल जीवन जो है जिएंगे। तो इन शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी सरकार की योजना का लाभ लेना चाहिए, तो बाकी तो आप सब जानते हैं। सबका यहाँ पर पधारने का मेरी ओर से धन्यवाद, ताकि उसके बारे में आपको जानकारी दें और उस चीज़ का भी आप फायदा उठाएं। इनके लिए एक महत्वपूर्ण इनके पास स्कीम है, जिसका फायदा आप हमारे लोग जो है, गरीब लोग जो है उठा सकते हैं। तो मदन जी से रिक्वेस्ट करूँगा। सारे स्माइलिंग फेस होना चाहिए ना। नहीं सरकार, 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 नहीं भारत माता की जय।
भारत माता की जय। भारत माता की जय।